कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है जोएल से। जोएल एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। आज वो स्कूल से फ्री होकर घर जाने के बजाय साइकिलिंग करता हुआ एक घर के अंदर घुसा है। सीढ़ियों के ऊपर से उसे पानी के टैपिंग की आवाज़ आती है। वो ऊपर जाता है। यहाँ वो एक खूबसूरत लड़की को नहाते हुए देखता है। वो लड़की उसे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जोएल कहता है कि वो स्कूल से घर की तरफ यहाँ आ रहा था, पता नहीं क्यों वो यहाँ चला आया। वो लड़की जोएल से अपने बैग को वॉश करने की रिक्वेस्ट करती है। जोएल ऐसा करने लग जाता है। बाद में जोएल अपने दोस्तों के साथ कार्ड खेल रहा है। वो अपने इस सपने के बारे में दोस्तों से बताता है। उसके दोस्त कहते हैं कि जोएल को ऐसी लड़कियाँ सपने में ही मिल सकती हैं, हकीकत में नहीं। बाद में हम जोएल के फादर को देखते हैं। वो तो ये चाहते हैं कि जोएल प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाए ताकि जोएल फ्यूचर इंटरप्राइजेस में पार्टिसिपेट कर पाए। फ्यूचर इंटरप्राइजेस एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है जिसमें स्टूडेंट्स टीम्स में काम करते हैं और स्मॉल बिजनेसेस को क्रिएट करते हैं। ये फैमिली शिकागो नॉर्थ शोर में रहती है। फिलहाल जोएल के पेरेंट्स ट्रिप पर जा रहे हैं। जाते हुए जोएल को काफ़ी एडवाइजेस देते हैं, खाना टाइम पर खाना, स्टडी टाइम पर करना वगैरह वगैरह। अपने पेरेंट्स के जाने के बाद जोएल बड़े मज़े से ड्रिंक में कोक मिलाकर फूड के साथ ले जा रहा है। इसके बाद वो यहाँ डांस करता है। जोएल का नया दोस्त माइल जोएल को मज़े करने के लिए नए नए तरीके बताता है। ये कार लेकर रोड पर उसे स्टंट करते हैं। अगली रात माइल ने जोएल के लिए एक वेश्या बुलाई है, पर जब जोएल दरवाज़ा खोलता है तब वो एक ट्रांसजेंडर निकला है। जोएल की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इस वेश्या का नाम जैकी है। जैकी ने जाते जाते एक वेश्या का नंबर दिया है, इसका नाम लाना है। रात को जोएल को नींद नहीं आ रही। वो लाना को फ़ोन लगाकर अपने घर का एड्रेस देता है। वो काफ़ी हेजिटेट कर रहा है। उसे डर है कि कहीं किसी को पता ना चल जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। थोड़ी देर में लाना यहाँ अपनी सेवाएं देने पहुँची है। लाना एक गॉर्जियस ब्लॉन्ड वुमेन है। उसे देखकर जोएल की वासनाएं उफान पर आती हैं। उसके अंगों को देखकर वो आकर्षित होता है। धीरे धीरे जब लाना निर्वस्त्र होती है तब जोएल कामोत्तेजित होता है। वो लाना के पास जाता है। इसके बाद दोनों रात भर जिस्मानी संबंध बनाते हैं। अगली सुबह लाना अपनी सेवाएं देने के बदले पैसे मांगती है। वो $300 की डिमांड कर रही है। जोएल कहता है कि उसके पास तो सिर्फ $50 हैं। लाना को छोड़कर वो बैंक पहुंचा है $300 निकालने। पर जब वो पैसे लिए यहाँ आया है तो वो देखता है कि लाना यहाँ से गायब है। पर साथ ही वो जोएल के मदर के एक्सपेंसिव आर्ट ग्लास उसको भी साथ में ले गई है। वो एग जो कि ग्लास का है वो बहुत कीमती है उसकी माँ के लिए। अगर वो नहीं मिला तो उसकी माँ जोएल को मार ही डालेंगी। जोएल लाना को ढूंढता है। वो उससे ग्लास एग को मांगता है। इतने में लाना का दलाल ग्यूडो आकर इन्हें इंटरप्ट करता है। वो गन पुल करता है। बाद में जब जोएल अपने फादर के पोर्च में है तब ग्यूडो जोएल को चेस करता है, पर किसी तरह जोएल ग्यूडो से बचने में कामयाब हो गया है। लाना बाद में जोएल से फिर मिलती है। वो कहती है कि एग उसके बाकी सामान के साथ साथ ग्यूडो के पास है। अब जब लाना जोएल के घर कई बार आ चुकी है, जोएल लाना को अपने घर छोड़कर स्कूल जा रहा है। वो उससे भरोसा दिखाता है पर डरता भी है। वो कहता है इस घर से कुछ भी चोरी नहीं होना चाहिए वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। स्कूल में जोएल बार बार घड़ी देखे जा रहा है। उसे डर है कि लाना कुछ गड़बड़ ना कर दे। जैसे तैसे टाइम्स कंप्लीट करने के बाद जोएल घर लौटा है। वो देखता है कि लाना ने उसके घर को वेश्यालय बना दिया है। जोएल के दोस्त यहाँ आए हुए हैं जबकि लाना ने अपनी सहेली जो कि एक वेश्या है उसको बुलाया है। लाना की वेश्या दोस्त विक्की भी आई है। लाना कहती है कि जोएल विक्की से भी रति क्रिया कर सकता है, पर जोएल इसे इनकार कर देता है। बाद में विक्की ग्यूडो को कन्फ्रंट करती है। वो जोएल के फ्रंट लॉन में भी आती है। इस बार जोएल विक्की को अपने यहाँ एक और रात ठहरने की इजाज़त दे देता है। इसी रात को जोएल, लाना, विक्की और जोएल का दोस्त बैरी नाइट आउट के लिए बाहर जाते हैं। ये सभी यहाँ गांजा का सेवन करते हैं। इसे चारों हाई हो जाते हैं। बाद में लाना गलती से पोर्च को आउट ऑफ गियर छोड़ देती है। लाना चली जाती है। जोएल देखता है कि कार आगे की तरफ मूव कर रही है। वो कार को गिरने से रोकने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी कोशिशों के बाद उसकी ये कोशिश रंग लाई है। कार जस्ट वाटर बॉडी के सामने आकर रुक गई है। जोएल की जान में जान आई। वो कार से उतरता है। इसके बाद अचानक से कार पानी में गिरती है। लेक में वो डूबने लगी है। इसके बाद हम जोएल को पोर्च लिए रिपेयर शॉप में देखते हैं। कार में से मछलियाँ गिर रही हैं। उसे डर है कि उसके फादर उसका क्या हाल करेंगे। वो इस बात से भी डरा है कि इसकी रिपेयरिंग में कितना कॉस्ट आएगा और वो इतने पैसे लाएगा कहाँ से। बाद में लाना जोएल को एक और भी कीमती सुझाव देती है। वो कहती है क्यों ना हम तुम्हारे घर को वेश्यालय बना दें सिर्फ एक रात के लिए। वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ नहीं हैं। हम सबको अपनी जवानी इंजॉय करनी चाहिए।
जोएल कहता है कि यह बहुत डेडली आइडिया है, मैं कभी इसके लिए हाँ नहीं करूँगा। लाना कहती है, इससे हमें जो प्रॉफिट होगा उसे तुम अपने शेयर से कार को रिपेयर करा सकते हो। जोएल को पैसे इकट्ठा करने का यही रास्ता नज़र आ रहा है और इसके लिए राजी हो जाता है। ये पार्टी काफ़ी सक्सेसफुल रही है। घर में जोएल के दोस्त और क्लासमेट्स भारी तादाद में आए हैं और लाना ने भी अपनी सहेलियाँ जो कि वेश्या हैं उनसे इस घर को भर दिया है। सभी इस रात का आनंद ले रहे हैं। तभी जोएल की ज़िंदगी में एक और धमाका हुआ है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का रिक्रूटर रदरफोर्ड जोएल का इंटरव्यू लेने आया है। अगर ये इंटरव्यू ख़राब गया तब जोएल का यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नहीं होगा। रदरफोर्ड इस घर को पैक्ड दिखता है। जोएल उसे एक छोटे रूम में ले जाकर अपने इंटरव्यू देना शुरू करता है। रदरफोर्ड पूछता है कि जोएल का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। जोएल कहता है बिजनेस स्टडीज़। रदरफोर्ड यहाँ के नज़ारों को देखकर कहता है, वो तो मैं देखकर ही समझ गया था कि तुम्हें बिजनेस में ही इंटरेस्ट है। इस इंटरव्यू के दौरान जोएल के दोस्त और लाना के दोस्त आकर डिस्टर्ब करते रहते हैं। जोएल को डर है कि ये इंटरव्यू सक्सेसफुल होगा भी या नहीं। पार्टी के बाद लाना और जोएल बेहद करीब आते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद ये ट्रांजिट सिस्टम शिकागो एल ए में जाते हैं। यहाँ जब दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं तब यहाँ के पैसेंजर्स इन्हें घूर घूर कर देखते हैं। जब सभी उतर जाते हैं तब दोनों यहाँ निर्वस्त्र होते हैं। इसके बाद ये ट्रैवलिंग के दौरान ही संभोग करते हैं। अगली सुबह जोएल देखता है कि उसके घर में चोरी हुई है। काफ़ी सारा सामान और फर्नीचर गायब है। जोएल को लाना पर शक हुआ है। वो लाना को फ़ोन लगाता है पर फ़ोन उठाया है ग्यूडो ने। ग्यूडो कहता है, मैं तुम्हारे सारे सामान को रिटर्न कर दूंगा पर बदले में तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। इतने में जोएल का पेरेंट्स का फ़ोन आया है, वो आज आने वाले हैं। मजबूरन जोएल ग्यूडो से अपने ही सामान को खरीदता है। जोएल और उसके दोस्तों ने जैसे तैसे सारे सामान को उनकी जगह पर रख दिया है। एन मौके पर ही जोएल के पेरेंट्स यहाँ आ गए हैं। सब कुछ तो ठीक है पर वो एग ठीक नहीं है, उसमें कुछ क्रैक्स हैं। जोएल की मदर जोएल से पूछती है, आखिर इस एग में क्रैक क्यों है। जोएल इसका गोलमोल जवाब देता है। उसकी मदर उसे डांटती है। बाद में जोएल के फादर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बताते हैं कि जोएल का इंटरव्यू अच्छा था। जोएल का अब सिलेक्शन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। जोएल और लाना फिर से रेस्टोरेंट में मिले हैं। ये अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। लाना कहती है, मैं भविष्य में भी तुमसे मिलते रहना चाहती हूँ। जोएल मजाक भरे लहजे में जवाब देता है, ये मुलाकातें तुम्हें बहुत महंगी पड़ेंगी। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड़ पर।